एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि एनडीए पे वीडियो लाइए। मैं अभी फुल वीडियो तो नहीं, लेकिन इसमें कितना पैसा आपको कोर्स करने के दौरान मिलेगा या नहीं मिलेगा, या ट्रेनिंग के दौरान कितना पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आप जब कोर्स करने और ट्रेनिंग करने के बाद जब जॉब करोगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा, आज सिर्फ बात होगा सैलरी पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि एनडीए में कितना सैलरी मिलेगा। हाँ, मैं एक बात और भी बता देता हूं कि आपको एनडीए पे अगर पूरी डिटेल वीडियो चाहिए कि एनडीए का एग्जाम पैटर्न कैसा होता, मार्किंग स्कीम कैसा होता है, कौन सा सिलेबस आपको तैयार करना होगा, कौन कौन से बच्चे इसके लिए एलिजिबल है, तो आप कमेंट करिए, आज ही शाम तक आपको इस पर डिटेल वीडियो मिल जाएगा। लेकिन पहले सैलरी तो जान लो, क्योंकि सैलरी जान लोगे तो आपके अंदर हलचल ऑटोमेटिक मच जाएगा। और एक बात और बता देता हूं कि चाहे बॉयज हो, चाहे गर्ल्स हो, चाहे बायो से हो, चाहे मैथ से हो, सभी बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो एनडीओ को आपके रिक्वेस्ट पे आज हम लोगों ने पकड़ा है और इस पर वीडियोस आपका आता रहेगा। तो आज पहले सैलरी जान लेते हैं, उसके बाद अगर डिटेल वीडियो के लिए कमेंट करते हो तो जरूर आपको वीडियो मिलेगा और आज ही वीडियो मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि तीनों टाइम पे यानी कि कोर्स के दौरान, यानी कोर्स करने के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान और जॉब के दौरान कितना पैसा आप कमाओगे या कब आपको पैसा नहीं भी मिलेगा। पूरी क्लियरिटी आज की वीडियो में होगा। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्कअप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आपने स्टार्टिंग में सुना होगा कि मैं एनडीए से रिलेटेड सैलरी पे बात करने वाला हूं, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी। मैं आपको बता देता हूं कि ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है, चाहे बॉयज हो, चाहे गर्ल्स हो, चाहे आप क्या बोलते हैं बायो से हो या मैथ से हो, सभी लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं क्लास 12th पास आउट के बाद। इसमें थोड़ी सी मैं अगर आपको बता दूं कि होता क्या है, अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिए तो आपको जेएनयू में जाके यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में जाके आपको ग्रेजुएशन करना होता है। ग्रेजुएशन आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हो कि 12 के बाद मतलब बीए करना चाहते हो कि बीएससी करना चाहते हो कि बीकॉम करना चाहते हो कि बीटेक करना चाहते हो, ये आपके चॉइस पर डिपेंड करता है। आपको जेएनयू में जाके पढ़ाई करना होगा और जैसे ही आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लोगे तुरंत आपका एक साल का ट्रेनिंग स्टार्ट होगा और ट्रेनिंग के बाद 100% है कि आपका जॉब लग जाएगा। और जॉब में आपको बता देता हूं कि थल सेना यानी कि आपका मिलिट्री में यानी कि आर्मी में आपकी नौकरी लगेगी। दूसरा आपका है क्या बोलते हैं जल सेना यानी कि आपका नेवी में आपका क्या बोलते हैं नौकरी लगेगा। और तीसरा आपका है एयरफोर्स यानी कि वायुसेना में आपका नौकरी लगेगा, यानी कि थल सेना, जल सेना और वायुसेना, इन तीनों सेनाओं में आपकी भर्ती हो जाएगी और आप अच्छा खासा पैसा कमाने लगोगे। तो बहुत देर ना करके चलो एक एक करके मैं आपको बता देता हूं। तो आपने स्टार्टिंग में तो ये सुना ही होगा कि आपको क्या करना होगा, पहले एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, उसका नाम क्या होगा एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी एंट्रेंस एग्जाम। जिसके बारे में पूरी डिटेल चाहिए तो प्लीज आप कमेंट करिए, आज ही आपको वीडियो मिल जाएगा, चाहे मैं या सुमन मैम जिसके पास भी टाइम होगा हम लोग वीडियो बना देंगे। और आपके एक एक रिक्वेस्ट पे हम लोग बारी बारी वीडियो बना रहे हैं, हमें थोड़ा वक्त दीजिए, आपके जितनी भी रिक्वेस्ट आए हैं हम लोग वीडियोज बनाएंगे और कमेंट्स का हम लोग रिप्लाई भी करते होंगे। तो प्लीज आप लिख देना एनडीए डिटेल्स, तो मैं समझ जाऊंगा कि वीडियो लाना है और आज शाम तक ही वीडियो हम बना लेंगे। तो या तो शाम तक वीडियो अपलोड हो जाएगा या तो कल सुबह 9-10 बजे तक वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो आप इसके लिए बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, पूरी डिटेल पे आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करें कि अगर आप मान लीजिए क्या बोलते हैं एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई कर लिए, तो क्वालिफाई करने के बाद जेएनयू में यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में आपको जाके ग्रेजुएशन करना होगा। अब ग्रेजुएशन के दौरान जैसे ही आप जाके वहां पे एडमिशन कराओगे तो एडमिशन में आपका पैसा लगेगा 35,376 रुपया यानी कि 35,376 इतना रुपया आपको जमा करना होगा। उसके बाद आपको खाने का जो चार्ज है कि जो फूड चार्ज है वो आपका 20,000 रुपया लगेगा, इतना आपको स्टार्टिंग में जमा करना होगा। परंतु आपको हर एक क्या बोलते महीने में 2,500 रुपया आपको खर्चा दिया जाएगा वहीं से, इतना तो आपको जमा करना होगा यानी कि वो 35,376 और 20,000 आपको जमा करना होगा यानी कि लगभग 55,000 के करीब आ रहा है। लेकिन 2,500 रुपया आपको पर मंथ आपको खर्चा दिया जाएगा और वहां खाने का, रहने का, पहनने का, कपड़ा प्रेस करने का और उसके बाद सारी चीजें उसमें फ्री रहेगा। अब फ्री मानो या तो जो आपने पैसा दिया है उसी में मानो, तो उसमें आपका कहीं कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको कपड़ा भी मिलेगा, आपको खाने के लिए भी मिलेगा, ठीक है, हर चीजें उसमें फ्री रहेगा, ये जान लीजिए। तो और 2,500 रुपया आपको उसमें से खर्चा दिया जाएगा, पॉकेट मनी आप मान लो कि पॉकेट मनी आपको दिया जाएगा 6 महीने तक 2,500 रुपया। लेकिन जब 6 महीना बीत जाएगा, अब पता नहीं आप कौन सा कोर्स कर रहे हो सकता है कोई बच्चा बीए चुना हो, कोई बच्चा हो सकता है बीएससी या बीटेक चुना हो, और एडमिशन के दौरान ही ये आपको सेलेक्ट करना होता है कि आप आगे चल के आर्मी में जाना चाहते हो कि नेवी में जाना चाहते हो या एयरफोर्स में जाना चाहते हो। अगर आप आर्मी में आपको आगे जाना है यानी कि आर्मी में आपको जॉब करना है तो आपको बीए या बीएससी इन दोनों में से कोई भी आपको एक ग्रेजुएशन करना होगा, चाहे बीए या तो बीएससी, आप बीटेक नहीं कर सकते हो। और अगर आप क्या बोलते हैं आर्मी के
अलावा अगर आप मतलब वायुसेना और जल सेना यानी कि नेवी में और एयरफोर्स में, नेवी या एयरफोर्स क्योंकि जाओगे तो एक ही में है ना, अगर आपने एयरफोर्स सेलेक्ट कर लिया या आपने नेवी सेलेक्ट कर लिया तो आप बीए बीएससी और बीटेक इन तीनों में से कोई भी एक ग्रेजुएशन कर सकते हो, बात आप ये याद रखना, ठीक है ना। अच्छा, अब 6 महीने तक आपको 2500 रुपया आपको आपके कॉलेज से ही मिलेगा यानी कि जेएनयू से ही मिलेगा। आपने जो पैसा एडमिशन के दौरान जमा किया मतलब 55,000 के अप्रॉक्स मैंने बताया था उतना तो आपने जमा किया, लेकिन 2500 रुपया पॉकेट मनी के तौर पे आपको मिलेगा और आपका खाना पीना रहना तो सब फ्री रहेगा। अच्छा, अगर इसके आगे चले तो 6 महीने बाद क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बीए का जो कोर्स होता है वो 3 साल का होता है, बीएससी का भी आपका 3 साल का होता है और बीटेक का कोर्स आपका 4 साल का होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि 6 महीने में खेल समाप्त हो जाएगा। तो 6 महीने बाद क्या होगा, तो 6 महीने बाद फिर आपको 15,000 रुपया जमा करना होगा, कहां पे, जहां आप पढ़ाई कर रहे हैं यानी कि जेएनयू में, ठीक है ना। आपको 15,000 रुपया जमा करना होगा, उसके बाद फिर जो अगला 6 महीना है आपको 2,500 रुपया आपको पॉकेट मनी यानी कि आपको खर्चा दिया जाएगा। तो जो आप 15,000 रुपया जमा कर रहे हो 2,500 रुपये से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 6 महीने का तो 15,000 रुपया आप देखो तो अल्टीमेटली आपको वापस ही मिल जा रहा है, यानी कि जो पैसा आपका जमा हो रहा है वो पैसा आपको वापस मिल रहा है। हाँ, वही स्टार्टिंग में जो मैंने बताया कि 36,000 और 20,000 लग रहा है वही बस आपका समझ लो ज्यादा लग रहा है, लेकिन वो भी आपको 6 महीने तक जब स्टार्टिंग वाला आपको 2,500 मिलेगा तो 15,000 उसमें तो मिल जा रहा है। इसका मतलब आप मान के चलो कि 55 में से अगर आप 15 घटाते हो तो आपका 40,000 रुपया वही एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। अच्छा, फिर जब आपका 6 महीना बीत जाएगा यानी 6-6, 12 महीना बीत जाएगा, फिर आपको 15,000 रुपया जमा करना होगा, फिर आपको 2,500 रुपया पर मंथ मिलेगा और यही प्रोसेस आपकी पूरी पढ़ाई के दौरान चलेगा, यानी कि हर 6 महीने में आपको 15,000 देना होगा, उसके बाद 2,500 रुपया पर मंथ आपको पॉकेट मनी दिया जाएगा, बाकी सारी चीजें खाना पीना रहना ये सब तो फ्री रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये तो पढ़ाई की बात हो गई, लेकिन पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आपका 1 साल का ट्रेनिंग होगा। 1 साल के ट्रेनिंग के दौरान डिपेंड करता है कि आपने स्टार्टिंग में कौन सा चीज चूज किया था, यानी कि आप आर्मी चूज किए थे, नेवी चूज किए थे कि एयरफोर्स चूज किए थे। अगर मान लीजिए आपने क्या बोलते हैं आर्मी चूज किया था तो आपका IMA नाम से ट्रेनिंग होता है, अगर आपने नेवी चूज किया था तो आपका INA नाम से ट्रेनिंग होता है, और अगर आपने एयरफोर्स चूज किया तो आपका AFA के नाम से ट्रेनिंग होता है। ये सब मैंने ट्रेनिंग के नाम बता दिए हैं आपको। अच्छा, अब बात है कि सर ट्रेनिंग के दौरान क्या हमको पैसा देना होगा या पैसा मिलेगा, तो खुशी की बात है कि ट्रेनिंग के दौरान आपको पर मंथ 56,100 यानी कि 56,000 के अप्रॉक्स आपको पर मंथ मिलेगा, यानी कि आप ट्रेनिंग में 56,000 के करीब कमाने लगोगे। सोचो 1 साल का ट्रेनिंग होगा और 1 महीने में आप 56,000 रुपया कमा रहे हो, तो सोचो कि अगर 12 से यानी कि क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं, आप 56 से मल्टीप्लाई करो तो लगभग 6 लाख के करीब तो जाएगा ही जाएगा। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं लेकिन मतलब उतना दिमाग चल रहा है कि 10 महीने का 5,60,000 हो गया, तो आप 56,000 और जोड़ लो तो 6 लाख से आपका प्लस ही जाएगा। 6 लाख प्लस रुपया आप 1 साल के अंदर कमा लोगे, आपको ट्रेनिंग के दौरान ही पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि अगर आपने NDA निकाल लिया है तो कोर्स के बाद आपका 100% है कि आपको जॉब मिल जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब बात हुआ कि सर अगर हमने अगर कोर्स कर लिया और ट्रेनिंग भी कर लिया तो उसके बाद जब हम जॉब पाएंगे तो हमें कितना क्या बोलते हैं सैलरी हमारा होगा, तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूं कि अगर आप आर्मी में जाते हो, क्योंकि मैंने बोला ना कि आपके पास 3 क्या बोलते हैं रास्ते हैं, या तो आर्मी में जाने के लिए, या तो एयरफोर्स में जाने के लिए, या तो नेवी में जाने के लिए। अगर आप आर्मी में जाते हो तो आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर आपको जॉब मिलेगा, और जो लेफ्टिनेंट का पोस्ट है उसमें स्टार्टिंग सैलरी 70,000 से 1 लाख रुपए तक है। अब आप कहोगे कि सर 70,000 से 1 लाख क्या एग्जैक्ट आप नहीं बता रहे हो, तो ये डिपेंड करता है कि आपका पोस्ट कहां लग रहा है। जैसे मान लीजिए आपका जम्मू एंड कश्मीर है तो वो थोड़ा सा मतलब डेंजरस एरिया माना जाता है, अगर आर्मी में आपका पोस्ट वहां पे लगा तो वहां के आर्मी वालों का जो सैलरी होता है वो ज्यादा होता है, लेकिन कहीं ऐसे जगह लगा जहां सेफ है जगह, ठीक है ना, तो उस जगह आपको सैलरी कम मिलता है। तो जितना आप डेंजरस जगह आपको मतलब पोस्ट लगता है यानी कि जितना डेंजरस जगह आप काम करते हो उतना ही ज्यादा आपका सैलरी होता है। तो 70,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक स्टार्टिंग सैलरी होगा, और सिर्फ इतना नहीं है, आपको कार मिलेगा यानी कि वहां से कार दिया जाएगा, आपको कार में एक ड्राइवर भी दिया जाएगा, आपको खुद से ड्राइवर भी नहीं रखना है, जो कार में जितने भी पेट्रोल लग रहा है वो भी आपको मिलेगा, आपको खाने का मिलेगा, घर मिलेगा यानी कि एक रहने के लिए भी आपको जगह मिलेगा, ठीक है, आपको एक कैंटीन मिलेगा, और आप जहां घर में रह रहे हो आपको नौकर मिलेगा। तो इतनी बेनिफिट है आपको, मतलब 70,000 से 1 लाख सैलरी
सैलरी तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इतनी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपको मिल रहा है, यानी कि घर मिल रहा है, नौकर मिल रहा है, कार मिल रहा है, ड्राइवर मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है, और क्या चाहिए भैया आपको, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अगर आर्मी में जाते हो तो आर्मी में अगर आपको लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर जाते हो तो 70,000 से 1,00,000 रुपए तक आप कमा लोगे। डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में जॉब कर रहे हो, लेकिन ये आप पे डिपेंड नहीं करेगा, वो लोग खुद भेजेंगे और जहां भेजेंगे उसी हिसाब से वहां पे सैलरी होगा। खैर आगे बढ़े, अगर आप आर्मी में चीफ ऑफ आर्मी के क्या बोलते हैं पोस्ट पे काम करते हो तो आपका 2,50,000 रुपया सैलरी होगा पर मंथ, चीफ ऑफ आर्मी के तौर पे अगर आप वर्क कर रहे हो तो आर्मी की बात हो गई। और आर्मी मैंने पहले बताया कि अगर आपको आर्मी में जाना है तो जब जेएनयू में आप पढ़ाई करोगे तो या तो आप बीएससी करना होगा या तो आपको क्या बोलते हैं बीए करना होगा, लेकिन आप बीटेक नहीं कर सकते हो। इसके आगे चलें, अगर आप नेवी में जाते हो यानी कि आप अगर जल सेना में जाते हो तो आपका 50,000 रुपए से 1,00,000 रुपए तक सैलरी होगा, क्योंकि नेवी में एक पोस्ट नहीं होता, अलग अलग पोस्ट होता है। तो जैसा पोस्ट होगा और जहां आप जॉब करोगे उसी अकॉर्डिंग आपका पैसा भी होगा, 50,000 रुपए से 1,00,000 रुपए तक। आगे बात करें एयरफोर्स में, यानी कि अगर आप उड़ना चाहते हो ठीक है ना, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि आपका मिनिमम 70,000 रुपया सैलरी है, यानी कि 70,000 से 1,00,000 रुपए तक सैलरी है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी है। तो इतनी चीजें मैं आपको बता दिया तो आपकी पूरी की पूरी डाउट क्लियर हो गई होगी। प्लीज अगर आपको इस पर फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, हम लोग चाहे मैं चाहे सुमन मैम आज शाम तक या कल तक इस पर डिटेल वीडियो ला दिया जाएगा कि एनडीए की मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सारी बात हम लोग बता देंगे। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो ये मैंने पूरी की पूरी वीडियो में जो मैंने आपको बताया था और आपने थंबनेल पे देखा होगा कि सैलरी कितनी है, तो मैंने सैलरी ट्रेनिंग के दौरान, कोर्स करने के दौरान और साथ साथ क्या बोलते हैं जॉब के दौरान बता दिया। हाँ, कोर्स करने के दौरान आपको सैलरी तो नहीं मिल रहा है, लेकिन जो पैसा आप 15,000 पर मंथ दे रहे हो आपको वापस मिल ही जा रहा है। तो ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसमें भी कहीं कोई कमी रह गया आप फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि आप जब हमें फीडबैक देते हैं तो ही हम उसमें सुधार कर पाते हैं। और कमेंट करना बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि आप जब कमेंट करते हो तो हम लोग उसी अकॉर्डिंग वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज आप कमेंट करिएगा और जहां भी कहीं कोई समस्या होगा आप बेझिझक कहिएगा, हम और सुमन मैम आपके हमेशा साथ हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।